आबकारी पुलिस ने अलवर शहर में शुक्रवार को 80 लाख रुपए की अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। ट्रक के वाल पुट्टी की आड़ में शराब की तस्करी सामने आई है, जिसमें वाल पुट्टी के कट्टे भरे हुए थे। नीचे वाल पुट्टी जमी थी ताकि शराब लीक होने पर भी बदबू नहीं आए, बाहर नहीं फैले। आबकारी पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर ली है। ड्राइवर सांचौर सीकर निवासी मंगलराम को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात सप्लाई होने वाली 80 लाख की शराब वाल पुट्टी की आड़ में ले जाई जा रही थी। शराब माफिया साथ ही हरियाणा से यह शराब सप्लाई हुई। गौरतलब है कि ट्रक में कुल 835 अंग्रेजी शराब की पेटियां मिली हैं, जिनमें राजस्थान के बाजार भाव के अनुसार करीब 80 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। हरियाणा में यह कीमत कम हो जाती है, वहीं यह शराब गुजरात में दुगने दामों पर बिक सकती है। असल में गुजरात में शराब बंदी है, इस कारण से वहां शराब महंगी बिकती है। वहीं ड्राइवर मंगलाराम ने बताया कि उसे तो बॉर्डर पर ही ट्रक थमाया गया था। यह कहा गया कि इसे ग्वालियर पहुंचाना है, इसके लिए मुझे 30,000 रुपए दिए गए थे। मुझे नहीं पता कि शराब कहां बेची और किसने भेजी है। आबकारी अधिकारी उमेदी लाल ने बताया कि तस्कर के बीच में ट्रक चेंज करा देते हैं, जिससे पिछली उसकी यह सोच रहती है कि पुलिस को पता नहीं लगे अवैध शराब कहां से आई। पुट्टी की अवैध बिल्टी होती है। करीब 80 लाख की अवैध शराब मिली है। इससे पहले भी अलवर आबकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही कार्रवाई को लेकर जिला आबकारी अधिकारी उमेदीलाल मीणा ने DYSP अजय यादव को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई विभाग करता रहेगा और अवैध रूप से शराब की तस्करी रोकथाम को लेकर इसी तरह सतर्क मिलेगा। आज हमारे लिए और हमारे EPF के जो हेड हैं अजय यादव जी, इनके नेतृत्व में बहुत शानदार कार्रवाई हुई है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बैकग्राउंड में ट्रक शराब से भरा हुआ जो हरियाणा मेड है, इसमें तीन ब्रांड है, रॉयल चैलेंजर और मैकडोनल्ड और सेशन नाम से तीनों ब्रांड है। ये यहाँ से कहीं क्रॉस करके बाहर ले जा रहे थे, तो सघन चेकिंग अभियान डिप्टी साहब के द्वारा बहुत ही अच्छे से चलाया जा रहा है। ये खुद भी पिछले कई 15 दिनों से लगातार रात को नाकाबंदी करवाते रहे, समय बदल बदल के, और उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट या रिजल्ट आज आपके सामने है कि काफ़ी बड़ी तादाद में शराब जो अवैध रूप से हरियाणा ले जाने की संभावना है वो हमने पकड़ा है। और इससे मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई करने वाले लोगों में एक मैसेज आएगा कि वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और हम कर रहे हैं। और हम आपको आपके माध्यम से ये भी भरोसा दिलाते हैं कि ज़िले में वैसे हम सबसे अच्छी कार्रवाइयाँ लगातार कर रहे हैं, लेकिन आगे भी हम लगातार हमारा 100% इसको देंगे। ज़िले में कहीं भी इस तरह से इलीगल शराब या स्प्रिट या हथकड़ शराब का निर्माण और उसका उपयोग परिवहन जहाँ भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। जैसा कि अभी मेरे कार्यकाल के दौरान दो बड़ी कार्रवाइयाँ इस तरह की हो गई है, आपको पहले पता है कि स्प्रिट भी बहुत बड़ी मात्रा में हमने पकड़ी थी और उसमें हमने मुलजिम गिरफ्तार भी कर लिए हैं, और इसमें भी हमने ड्राइवर को पकड़ा है। इसका आज ही FIR दर्ज कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये कहाँ से लेकर आया था और कहाँ लेकर जा रहा था और कितने लोग इसमें शामिल हैं। कहाँ से पकड़ी है ट्रक, कहाँ से पकड़ा है? ये अमन होटल के पास अलवर बाईपास से इसको पकड़ा है और अभी थाने में इसको लेकर आए हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग की कार्रवाई है। अभी ये पता नहीं लगा कहाँ से लेकर आया, कहाँ जा रहा था, अभी ये पता नहीं है। अभी ये अनुसंधान का विषय है और हम कोशिश करेंगे कि इसका जो ओरिजिन मदर प्लेस है वो और इसका जो डिस्पैच का प्लेस है वो इस और इसमें इन्वॉल्व सभी व्यक्ति वो सब उन तक हम पहुँचें, उनको कानून की गिरफ्त में लेवें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें।